बहुत खूब सच में, तुमने रंचो को हरा दिया डब्लू। अरे वाह, अब मैं जीतने वाला हूँ। अरे वाह, अरे वाह। डब्लू जीत गया, डब्लू जीत गया। अरे छोटे, तुम्हें यहाँ प्रतियोगिता में डब्लू को दोबारा कैसे खेलना है? भाई मैं निश्चिंत नहीं हूँ। क्या भाई? लेकिन क्यों? देखो मेरा स्केट टूट गया। अरे इसे लेके चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक नई जोड़ी बना कर दूंगा, फिर तुम मुकाबले में जा सकते हो। भाई तुम लोग घर जा सकते हो, तुम लोग पूरे दिन से मेरे साथ थे इसलिए तुम लोग जरूर थक गए होंगे, मैं ये खुद संभाल सकता हूँ। हम यहाँ कल सवेरे मेरे निकलने से पहले मिल सकते हैं, ठीक है? मिलते हैं। ठीक है, चलो घर चलते हैं। मेरे महाराज का खाने का वक्त हो गया है। चलो चलते हैं, मुझे ही जीतना चाहिए था। महाराज। अरे बाबू, मुझे अब कुछ करना है, तुम जाओ 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 जाओ। अगर डब्लू मुकाबले में पहुंच नहीं पाता है तो मैं अकेला रहूंगा, उसके बदले में जा सकता हूँ। मेरे नए स्केट्स के लिए किस तरह का सामान चाहिए रहेगा? डब्लू रुक जाओ दोस्त, मैं तुम्हारी जगह लूंगा, ये तय हो चुका है। शायद मैं चपटा पत्थर लेके पहिया बना सकता हूँ। यह पत्थर बिल्कुल सही रहेगा। यह बहुत ही आसान काम होगा। यह बहुत ही छोटा है। डब्लू अजीब है, राजा को उसे दिलाने का। हाँ। ए इसे देखो जरा। अरे वाह, इतना सारा मीठा शहद। शहद? अरे डब्लू, तुम तो मामा बन गए। शहद कहाँ है? शहद मेरा पत्थर कहाँ चला गया? कितना वक्त लगा उसे ढूंढने में। शायद यहाँ आसपास मेरे काम का कुछ मिल जाए, शायद इसके नीचे आएगा, देखता हूँ। अरे हाँ, एक पिस्ते वाली मशीन। मेरा काम हो गया। मैंने तो ऐसा दो बनाया था, फिर से बनाता हूँ। ठीक है, एक और बन गया। अरे ये बाकी का सामान कहाँ चला गया? चलो जाओ और बना लेता हूँ, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। आखिरकार मेरा काम हो गया, मैं बहुत थक गया हूँ। अरे वो मेरा पहिया था। अरे नहीं, मुझे कुछ और उपाय ढूंढना पड़ेगा। ये सर अच्छा है, स्केट का सोल बनाने के लिए बहुत अच्छा है। वो कितना जिद्दी है। चित्र तो बन गया, अब मुझे अरे मेरा औजार, ये सब टूटे कैसे? कोई बात नहीं, ये तो मिल गया, ठीक है। इतनी जल्दी हार मत मानो। मुझे ये पुराना सामान मिल गया, अब मेरा काम हो जाएगा। आज का दिन मेरे लिए अच्छा नहीं है। आगे का मेरा स्केट तैयार हो गया। मैं थक गया हूँ, थोड़ी देर सो लेता हूँ। अरे नहीं, अब क्या करूँ? अब उसे बिगाड़ने के लिए क्या करूँ मैं? रंचो,
क्या तुम अंदर हो? बोल आजा, लाजा, तुम घर पे हो कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, आता हूँ। बात क्या है? रेंजो, मेरे स्केट खो गए, तो मैं कल के मुकाबले में नहीं जा सकता, तो तुम कभी नहीं। दरअसल मुझे लगता है मेरी जगह तुम जाओगे तो अच्छा होगा। रेंजो, जल्दी मिलते हैं, जीत के आना, मुझे पता है तुम अच्छा ही करोगे दोस्त। डब्लू, ऐसा दुखी मत रहो छोटे, कुछ चीजें कभी हमारे लिए नहीं होती है। क्या मैं कुछ ज्यादा ही कर बैठा? हाँ? डब्लू को सच नहीं पता तो मैं ये प्रमाण मिटा सकता हूँ, फिर ये काम खत्म। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। हाँ, मुझे लगता है वो दोनों गंदे भालू यहाँ आसपास है ही नहीं। लखा, तुम्हारी इतनी हिम्मत? मुझे मत मारो भालू, मैं कसम खाता हूँ मैं फिर कभी पेड़ नहीं काटूंगा। अरे तुम हो रांचो, मैं तुम्हें पकड़ के रहूंगा, यहाँ वापस आ जाओ। मुझे मेरी यारी वापस दे। ठीक है, ये लो, नीचे आओ। ओह, क्या मैंने इसे तोड़ दिया? मेरी यारी बर्बाद करने की हिम्मत कैसे हुई? वो चीज क्या है? कितना अजीब उपकरण लगता है ये तो। अरे नहीं, मैं कितना बुद्धू हूँ। लखा, वो मुझे दे दो। उसे मत छूना, मैं आ रहा हूँ। इसमें ऐसी क्या खास बात हो सकती है? लखा, मुझे वो वापस देते हो कि नहीं बोलो? उसे नीचे रखो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ऐसे नीचे रख, तुम पागल हो गया हो क्या? चलो ठीक है, पहले तुम अपना वाला रखो। अरे कृपया नहीं, उसे मत छोड़ो। अब तुम समझ गए कि मुझे कैसा लगता है ना बंदर? पहले तुम सब मिलकर मुझे डराया करते थे। और अब खुद पी रहे हो तो वही दवाई कड़वी लग रही है तुम्हें। गंदे बंदर कहीं क्या? अगर तुम मुझे नाच के नहीं दिखाओगे तो मैं ये जूते अपने साथ ही ले जाऊंगा, क्या कहते हो? मैं तुम्हारा राजा हूँ। अच्छा, तो तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं ऐसे उखाड़ देता हूँ। कृपया मत करो लखा, मत करो। इतना बुरा भी नहीं नाचते। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? तुम चाहते हो मैंने खराब कर दूँ? अरे नहीं नहीं, कृपया ऐसा मत करो। अगर तुम्हें सच में अपने जूते वापस चाहिए तो मुझसे माफी मांगो। क्या कहा? डब्लू, ऐसे दुखी मत रहो छोटे, कुछ चीजें कभी हमारे लिए नहीं होती है। क्या मैं कुछ ज्यादा ही कर बैठा? फिर ठीक है, डब्लू के लिए लखा मुझे माफ कर दो, कृपया वापस दे दो मुझे। चला माफ किया। देखा तुमने, माफी मांगना इतना कठिन काम नहीं है ना? ये लो तुम्हारे जूते, ऐसे ही वापस कर दिया। लगता है सारे पैसे देकर एक नई आरी खरीदनी पड़ेगी। कैसे हो दोस्तों? अरे कैसे हो डुकू? दोस्तों, अब वक्त आ गया है रंचो को अलविदा बोलने का। कहाँ है वो? महाराज। अरे ये तो मेरा स्केट है। रंचो, तुम्हें कहाँ से मिला? बोलो। ये लो, डब्लू मुझे माफ कर दो, ये मैंने लिया था। मेव के मुकाबले में मैं जाना चाहता था, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? अरे जरूर, मैं कभी दोस्त पे गुस्सा नहीं करता, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। हाँ, सच्चाई की हमेशा जीत होती है, अब हम सबने तुम्हें माफ कर दिया है। सच में? शुक्रिया। मिलते हैं दोस्तों, मैं मुकाबला जीतने की पूरी कोशिश करूंगा। डब्लू, तुम जरूर जीतोगे, हम तुम पे पूरा भरोसा करते हैं दोस्त।